जय माइकी। हमने अपनी पिछले वीडियो में भूत शुद्धि के संबंध में थोड़ी सी चर्चा की थी, जिसे सुनकर बहुत से साधकों ने इसके संबंध में जानने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की है। हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हों जिन्होंने भूत शुद्धि के अपने ही अर्थ लगाए हों, अर्थात उन्होंने सोचा हो कि किसी भूत प्रेत से अपने को शुद्ध पवित्र करने के लिए भूत शुद्धि जैसी कोई प्रक्रिया या साधना होती होगी, किंतु यह पंच महाभूतों की साधना है। अब यह सुनकर जिन्होंने भूत प्रेतों के संबंध में सोचा होगा, उनको थोड़ा सा झटका लगा होगा, तो उनके लिए हमें यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर आप इसको पूरा सुनते हैं तो आपकी वो जिज्ञासा भी पूरी हो जाएगी। तो ये जो भूत शुद्धि है, ये पंच महाभूतों की शुद्धि है। और पंच महाभूत कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये पंच महाभूत हैं जिनसे मिलकर के हमारा ये पूरा शरीर निर्मित हुआ है। इनका एक विशेष संतुलन हमारे शरीर में है, और जब तक इनका संतुलन हमारे शरीर में ठीक रहता है, तब तक हमारे शरीर की जो चेतना का प्रवाह है वह भी ठीक रहता है। और जब तक वो चेतना का प्रवाह सही रूप से चलता रहता है, तब तक ना तो शरीर को किसी प्रकार की व्याधि घेरती है, ना मन को किसी प्रकार की व्याधि घेरती है। और मन और शरीर जब दोनों स्वस्थ होते हैं तो व्यक्ति आनंद के साथ अपना जीवन जीता है, क्लेश रहित जीवन जीता है। उसका आभा मंडल इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी परोक्ष शक्ति उस तक पहुंच ही नहीं सकती। अब ये जो पंच महाभूतों की साधना है, ये कैसे की जा सकती है, इसका मूल साधना का तत्व क्या है? तो यह जो साधना है वह कुंडलिनी जागरण से प्रारंभ होती है। समय समय पर बहुत से लोगों ने कुंडलिनी जागरण से संबंधित षडचक्र भेदन से संबंधित भी बहुत से प्रश्न पूछे हैं, तो उनके लिए भी यह एक उपयोगी चर्चा है। तो कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जो सुप्त रूप में, सुप्त स्वरूप में हमारे मूलाधार में स्थित होती है, वही कुंडलिनी जब जागृत होकर के देवी स्वरूपा होकर के, चेतना स्वरूपा होकर के ऊर्ध्वगामी होती है, चक्रों का भेदन करती हुई हृदय को स्थित होकर के निकल करके जब ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, और ब्रह्मरंध्र में जब वो पहुंचती है तो वहां ओम हंसा सोहम इस मंत्र का जप प्रारंभ हो जाता है। जब यह जप प्रारंभ हो जाता है तो वहीं पर जीव और ब्रह्म का संयोजन होता है, सम्मिलन होता है, एकीकरण होता है। इसी स्थान पर फिर तत्वों का समायोजन होने लगता है, भुवम और जल का समायोजन, जल और अग्नि का समायोजन, अग्नि और वायु का संयोजन, वायु और आकाश का संयोजन, आकाश और अहंकार का, अहंकार और महतत्व का, महतत्व और प्रकृति का, प्रकृति और आत्मा का संयोजन। और जब ये पूरी संयोजन की प्रक्रिया पूरी होती है तब साधक को वहां अनुभव होता है शुद्ध सच्चिदानंद रूपो हम। साधक यह अनुभव करता है कि वह जो शुद्ध तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप सत चित और आनंद,
वह यही उसका मूल स्वरूप हो जाता है। वहां पर फिर पाप पुरुष का साधक चिंतन करता है। पाप पुरुष को समझने के लिए भी तत्व दृष्टि से देखना होगा, लेकिन यहां सामान्य रूप से आप किसी भी अनेकों प्रकार की विकृतियों को ले सकते हैं। तो पाप पुरुष का चिंतन करते हुए वामनाशिका से यम इस बीज मंत्र का 16 बार साधक जप करते हुए पूरक प्राणायाम करता है। अब ये पूरक प्राणायाम क्या है, जो नहीं जानते हैं उन्हें बता देते हैं कि वायु को खींचना, नासिका से वायु को खींचना पूरक प्राणायाम कहा जाता है। और फिर पूरक करने के बाद रम बीज मंत्र का जप करते हुए साधक 64 बार कुंभक प्राणायाम करता है, अर्थात जो वायु उसने खींची हुई है उसको वहीं रोक लेता है। फिर 32 बार यम इस बीज मंत्र का जप करते हुए साधक रेचक प्राणायाम करता है, अर्थात वायु को बाहर छोड़ता है, और उसी के साथ पाप पुरुष को बाहर करना यह कहा गया है। फिर साधक पुनः 16 बार बीज मंत्र का जप करते हुए पूरक प्राणायाम करता है, यम बीज का जप करता है, फिर लम बीज का जप करते हुए 64 बार जप करेगा और कुंभक प्राणायाम करता है, और फिर रेचक प्राणायाम के लिए 32 बार ईम इस बीज मंत्र का साधक जप करता है। यह पूरी एक जो प्रक्रिया है, यह योगिक प्रक्रिया है जो मंत्रात्मक प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, और इसको समझने के लिए थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव अवश्य होता है, किंतु यह इतनी अनिवार्य, इतनी आवश्यक अंग विद्या है, तंत्र पूजा का एक अंग है, कि इसके बिना किसी भी पूजा को प्रारंभ करने की तंत्र शास्त्र अनुमति ही नहीं देता। तंत्र के ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख आया है कि पहले भूत शुद्धि करने के उपरांत ही साधक को तंत्र पूजा में उतरना चाहिए, तंत्राचर्या में, तंत्र अर्चना में, चक्र अर्चन करने के अधिकार उसको तभी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 32 बार ईम बीज मंत्र का रेचक प्राणायाम साधक को करना चाहिए, और जब वह यह सब कर लेता है तो जो अमृतमयी कुंडलनी है, जो अमृत की वर्षा साधक को ब्रह्मरंध्र से कर रही है, वह फिर साधक सोहम इस मंत्र का जप करते हुए उसे नीचे मूलाधार में हृदय कमल से होते हुए ले जाता है और मूलाधार में पुनः स्थापित कर देता है। और इस पूरी प्रक्रिया को करने की वजह से इसका परिणाम यह होता है कि साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो जानते हैं ब्रह्म स्वरूप उनको तो समझ में आता है, ब्रह्म स्वरूप जो नहीं जानते उनको समझना चाहिए कि ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण से नहीं है। ब्रह्म अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड जिस तत्व से बना हुआ है, जो इसका मूल तत्व है, वही ब्रह्म स्वरूप है। साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, और इस प्रक्रिया को करने के बाद ही साधक किसी भी तरह की तंत्र साधना करने का अधिकार भी प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया का प्रभाव यह है कि सभी प्रकार की व्याधियों से साधक मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक व्याधियां हो, आदि भौतिक व्याधियां हो, दैविक व्याधियां हो, कोई भी व्याधि हो, सबसे साधक मुक्त हो जाता है और ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, साक्षात सच्चित आनंद का स्वरूप हो जाता है। अपनी चेतना शक्ति से अपनी जो इष्ट देवी है उसका साक्षात्कार उसको
तभी होता है जब वह कुंडलिनी की साधना करता है। किंतु अब यहां प्रश्न यह है कि यह जो क्लिष्ट कठिन सी दिखने वाली विधि है, क्या इसको सभी साधक कर सकते हैं? अगर जो साधक नहीं कर सकते उनके लिए भी क्या कुछ और विधि बताई गई है? तो इस भूत शुद्धि की एक मंत्रात्मक विधि भी होती है, इसका एक मंत्र भी होता है। अगर उसको भी आप जप लेते हैं, उसका जप आप कर लेते हैं, तो आपको यह पूरी विधि करने की जरूरत नहीं होती, उसको करने मात्र से ही भूत शुद्धि पूरी हो जाती है। किंतु मंत्र सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की आज्ञा तंत्र के मार्ग में नहीं है, यह गुरु गम्य मार्ग है, गुरु के आश्रय में ही इसे प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरह से पूरी इस भूत शुद्धि को करना चाहिए, और जब आप यह भूत शुद्धि कर लेते हैं, पंच तत्वों का की शुद्धि कर लेते हैं, उनका संतुलन बना लेते हैं, तो आपको बाहरी किसी बाधा से तो घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर तो किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना रहे, भूत प्रेत कोई ना रहे, वो आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो फिर जब बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहां तक तो कोई आपको स्पर्श कर ही नहीं सकता। इसलिए यह भूत शुद्धि बहुत ही अनिवार्य प्रक्रिया है जो प्रत्येक साधकों को करना चाहिए। अगर आपके इससे संबंधित और भी प्रश्न हैं तो आप हमें फोन करके या कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय माई की।